गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिमाचल के अंदर जो हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक हम लोगों ने नया इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि काफी लंबे समय से आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट भी आ रही थी और हम लोगों का भी काफी प्रयास चल रहा था, लेकिन कुछ एक लिमिटेशन थी जिसकी वजह से हम अभी तक HAS, NT और अलाइड एग्जामिनेशन में हिंदी मीडियम में नहीं जा पा रहे थे। जो अदर एग्जामिनेशन है, जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, अन्य एग्जामिनेशन में हमने हिंदी मीडियम के अंदर भी अपना डोमेन बनाया, लेकिन ये जो बड़े एग्जामिनेशन है इनके अंदर जो कंटेंट है हिंदी मीडियम में जनरेट करना टेक्निकल कंटेंट रहता है, सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी भी ज्यादा है, बाकी सारे टीचर उतने कॉम्पिटेंट भी होने चाहिए भाषाओं को लेके कि वो हिंदी मीडियम में भी उतना ही अच्छा डिलीवर कर पाए और नोट्स बना पाए और टेस्ट सीरीज बना पाए। तो इसीलिए हम लोगों ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव के तहत जल्दी ही जैसे हमारे HAS, NT और अलाइड के इंग्लिश मीडियम के लिए ऑनलाइन रिकॉर्डेड, आप देखिए अभी हम ऑफलाइन शुरू नहीं कर रहे हिंदी मीडियम के लिए, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज जो कि हमारे काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में रहते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज आप लोगों के लिए हम लोग शुरू करेंगे। जो तीन सब्जेक्ट्स, तीन डोमेन रहेंगे, दैट इज HPS का रहेगा, नायब तहसीलदार एंड अलाइड एंड सब इंस्पेक्टर, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के लिए भी अभी तक हिंदी मीडियम में हम लोग डिलीवर नहीं कर रहे थे। तो इन सारे ही एग्जामिनेशन के लिए अब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको हिंदी मीडियम में सारी ही चीजें दी जाएगी। क्या क्या मिलेगा हिंदी मीडियम के अंदर आपको, इसमें ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, करंट अफेयर एंड प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इस कोर्स के अंदर आप लोगों को दी जाएगी। इन सारे ही डोमेन के अंदर ये दिया जाएगा। तो जो जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में काफी बड़ी मात्रा में हिमाचल के अंदर तो 10वीं तक हिंदी हम लोगों ने सभी ने पढ़ी है, तो 10वीं तक हिंदी है, कई लोगों ने हिंदी को कंटिन्यू किया, साइंस ले ली तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए, आर्ट्स रहा तो हिंदी में ही कंटिन्यू किया, तो बहुत बड़ी मात्रा में हिंदी मीडियम में भी छात्र छात्रा हैं। अब हिंदी मीडियम में अगर आप देखोगे HAS एग्जामिनेशन में पिछले 4 साल से 0 सिलेक्शन देख रहे हैं हिंदी मीडियम के अंदर। उसका प्रॉब्लम ये है कि ये इशू नहीं है कि बच्चों में कैलिबर नहीं है, इशू है कि कोई भी क्वालिटेटिव ड्रिवन लेक्चर, नोट्स या इंस्टीट्यूट हिंदी मीडियम में काम नहीं कर रहा। तो इसी वैक्यूम को हम लोग फिल करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत बड़ी मात्रा में हिंदी मीडियम के बच्चे जुड़े तो हैं, लेकिन वो इंग्लिश में फिर अपना प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो इस वाले गैप को फिल करने का हम लोग काम करेंगे और इन फ्यूचर प्रयास भी करेंगे कि अगले साल से, जो कि 2024 है, 2024 से हिंदी मीडियम में भी सिलेक्शंस देखने को मिले। हाँ, एंटी अलाइड में हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शंस आ रही हैं, लेकिन HAS के अंदर नहीं आ रही। तो हम लोगों का एक और ये भी सपना था कि HAS एग्जामिनेशन को लेके दो हम लोगों के ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, एक था कि इसमें विमेन का सिलेक्शन ज्यादा हो। अभी विमेन का सिलेक्शन एज कम्पेयर टू मेल काफी कम है अगर रेशियो देखा जाए, तो हमारा था कि विद इन 2 to 3 गुड ईयर हम एट पार ले आएंगे और इन फ्यूचर इसको डोमिनेट करवा देंगे। और आप देखेंगे 2025 के बाद बहुत बड़ी संख्या में विमेन जो है वो सिलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि हिंदी मीडियम में हमारी एक्सपर्टीज ना होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब हमने धीरे धीरे पिछले 1-1.5 साल में सारे फैकल्टीज ने अपने हिंदी के नोट्स को बनाया, उनको पढ़ा और अच्छी ग्रिप बनाई, तब जाके हम हिंदी मीडियम में अब जाके तैयार हो पाए हैं कि आप लोगों को कैटर कर पाए, राइट। तो ये एक इनिशिएटिव लिया है। जो जो लोगों को लगता है कि ये इनिशिएटिव उनको हेल्पफुल होगा, वो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हमें ये एग्जैक्ट पता चल पाए, ये मात्रा चल पाए, कुछ आइडिया लग पाए कि कितने बच्चे हैं जो अच्छी क्वालिटेटिव कोचिंग से वंचित रह पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर मीडियम। तो ये एक जो है हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगा, राइट। कोर्स जो स्टार्ट होगा, जैसे अभी अप्रैल का 3rd वीक चल रहा है, मई मिड में है ना, 15 मई से 22 मई के बीच तक आपका ये कोर्स नया बैच फ्लोट हो जाएगा इन सारे ही डोमेन के लिए। क्लियर? चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।